हेलो एंड वेलकम ICAR एस्पिरेंट्स का ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है MD समी। आज का जो सेशन है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं MCQs के फॉर्म में, जो भी आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो NCERT बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है, तो आज हम लोग जो है वो NCERT के 9th और 10th पे बेस्ड फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, जो भी थ्योरेटिकल आपने स्टडी की है, उन सबको हम लोग MCQs के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर होता जाए और उससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनते हैं तो वो भी आपकी जो है टॉपिक्स क्लियर होता जाए, ताकि अगर क्वेश्चन अगर बदल के भी पूछता है तो आप उसका जवाब दे सकें। अगर आप इफिशेंसी अपने इंक्रीज करना चाहते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि आप अपना प्रैक्टिस जारी रखें और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका आंसर है सन अपीयरिंग रेड एट सनसेट। तो जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है, जब हमारी लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है। तो यहाँ पे रेयरर और डेंसर मीडियम जो है, एयर को जो है वो रेयर मीडियम कहा जाता है। अगर एयर से ग्लास में जा रही है तो भी वो डेंसर मीडियम हो गया, और अगर वाटर में जा रही है या वाटर से एयर में निकल के आ रही है तो वो डेंसर टू रेयर मीडियम हो गया। तो इस जो फेनोमेनन है रिफ्रैक्शन का, इसके वजह से क्या होता है कि हमें जो चीज़ें हैं वो नज़दीक या दूर दिखाई देता है। अगर जो है लाइट रेयर टू डेंसर जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, और अगर वो डेंसर से रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर बेंड होगा तो नज़दीक दिखाई देगा, और अगर नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो दूर दिखाई देगा। तो ये जो रिफ्रैक्शन है, तो एटमॉस्फेयर जो है वो कई सारे लेयर से बना हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो जो सन की लाइट है अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो बहुत सारे डेंसर मीडियम से गुजरती है, तो बार बार उसका रिफ्रैक्शन होता है। इस वजह से जो सन है या फिर जो स्टार है हमें एक्चुअल पोजिशन पर नहीं दिखता है, लेकिन उस वजह से सन जो है वो लाल दिखाई नहीं देता है। तो सन जो है वो सनसेट के टाइम पे रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग होती है। लाइट की स्कैटरिंग कहने का मतलब है कि लाइट जो है, वाइट लाइट जो सन से हमें एटमॉस्फेयर के जरिए से गुजर के आता है, वो टूटता है सात रंगों में। जैसा कि आपने देखा होगा NCERT बुक में कि जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो सात रंगों में टूट जाता है, जिसे हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं। या फिर नेचर में आपने रेनबो को देखा होगा, इंद्रधनुष, वो भी एक एग्जांपल है कि व्हाइट लाइट जो है वो सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो वायलेट लाइट जो होता है उसका सबसे कम वेवलेंथ होता है, तो ज्यादा बेंड होता है, इसी वजह से वो नीचे है, और रेड लाइट जो है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो वो कम बेंड होता है, इसीलिए सबसे टॉप पे है। तो ये जो स्कैटरिंग है ये रेड लाइट की ज्यादा होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये इसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को जंप कर जाएगा तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा फैल पाएगा। इसी वजह से हमें रेड लाइट जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है सनसेट के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर्स इन कार्स एंड मोटर व्हीकल्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसका आंसर है, इट फॉर्म्स स्मॉलर इमेज एज कंपेयर्ड विथ ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जैसा आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है,
और जो है जो ऑब्जेक्ट होता है उससे कम साइज का इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल जो है रियर व्यू मिरर की तरह इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बड़ा एरिया को छोटे में दिखा पाता है और हमें सीधा इमेज दिखता है तो वाइड रेंज दिखता है। इसीलिए छोटे से शीशे में एक बड़ा व्यू आप देख सकते हैं। इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल जो है ये कार्स या मोटर व्हीकल्स में एज अ रियर व्यू मिरर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम आर मच मोर सीवियर देन दोज कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसका आंसर है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम ग्रेटर देन बॉइलिंग वाटर। तो जो स्टीम है वो ज़्यादा बर्न करता है अगर आपके हाथ में लग जाए या भाप पड़ जाए बॉइलिंग वाटर के मुकाबले, यानी कि जो स्टीम है उसमें जो हीट एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। तो हीट एनर्जी किस वजह ज़्यादा होता है, जो वाटर है जब बॉयल हो रहा होता है तो उसमें लेटेंट हीट और वेपराइजेशन ऐड हो जाता है स्टीम में चेंज होने के लिए, जिसके वजह से जो है स्टीम की जो एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। बॉइलिंग वाटर और स्टीम की जो टेम्परेचर है वो सेम रहती है। जैसा कि जब लेटेंट हीट ऑफ, अगर हम लोग फ्यूज़न की बात करें, दो टाइप का लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है जब लिक्विड बर्फ में बदल रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं आपस में तो वहाँ एनर्जी रिलीज होता है। बट टेम्परेचर जो है, जो लिक्विड जो है बर्फ बनने वाला होता है और जो बर्फ बन चुका होता है उन दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन वहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, लिक्विड वाले की ज़्यादा होगी, बर्फ़ की एनर्जी कम होगी। यहाँ पे क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब होता है, लिक्विड जब स्टीम में बदलता है तो स्टीम की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐड हो जाता है, तभी जाके वो स्टीम बन पाता है। तो जो बॉइलिंग वाटर है उसका जो हीट एनर्जी है वो कम होगा और जो स्टीम है उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, पर टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये आप लोग एकदम याद रखिएगा कि जब ये बॉइलिंग वाटर स्टीम में बदलता है तो टेम्परेचर सेम होता है, सेम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल ही होता है और भाप में बदलता है। आपने देखा होगा किचन में जब आप पानी बॉयल करते होंगे उस वक्त, तो भाप जब बनता है तो भाप की जो हीट होती है वो हमें ज़्यादा तेज लग जाती है, इसी वजह से, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐड हो जाता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि लेटेंट हीट ऑफ जो स्टीम है वो ज़्यादा होती है बॉइलिंग वाटर से। अगला क्वेश्चन है, What will happen to the level of the water in the beaker when a piece of ice floating on its surface melt? इसका आंसर है लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम, यानी कि अगर बीकर फुल आप पानी भर दो उसमें जब आइस है फ्लोट कर रहा होता है तो जब वो पिघलने लगता है तो जो लेवल है वो बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर वो फ्लोट कर रहा है तो जब आपने बर्फ़ को डाला होगा उसमें तो अपने वॉल्यूम यानी कि वेट के बराबर जो है वो पानी डिस्प्लेस कर चुका होता है, तो जब वो मेल्ट होगा तो उसके लेवल ऑफ हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, What will be the effect on the current flowing through a conductor if the resistance is double and the potential difference remains constant? इसका आंसर है करंट gets halved। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ के जरिए से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो करंट है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो है कि पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो उनके हिसाब से वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप वोल्टेज चेंज करेंगे उतना ही करंट बदलेगा, और जब प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे तो V इज इक्वल टू IR वहाँ पे आएगा। तो R जो है वो क्या है,
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट वो क्या कर रहा है कि करंट के फ्लो को रोक रहा है। तो ये जो आर है उसी का मेजर है, जैसे हम लोग ओम्स में मेजर करते हैं। तो रेसिस्टेंस जो होता है अगर उसको आप डबल कर दिएंगे तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो सीधा आप रेसिस्टेंस को डबल कर दे रहे हैं तो 1/2 यानी कि करंट जो है वो क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल बिकॉज। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि रेसिस्टिविटी जो होती है एलॉय की वो कम होती है प्योर मेटल से, और जो एलॉय है वो ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं जाता है, हाई टेम्परेचर विटी जो है वो कम रखते हैं और रेसिस्टेंस जो है वो हाई होता है, जिसके वजह से हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, यानी कि रेसिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा लेंथ होगा वायर का उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप लेंथ को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस भी डबल होगा। एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर की जो मोटाई होती है उसको अगर आप घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर उसको आप बढ़ाएंगे तो वो जो रेसिस्टेंस है वो घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हीटिंग जो आपने देखा होगा जो कॉयल होता है वो बहुत ही पतला होता है, क्रॉस सेक्शन उसका बहुत ही कम होता है, लंबा होता है बट क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, जिसके वजह से रेसिस्टेंस जो है वो हाई होता है। तो रेसिस्टिविटी यहाँ पे हम कम रखते हैं, जो रेसिस्टिविटी है वो ओम मीटर में हम लोग मेजर करते हैं, तो रेसिस्टिविटी कम रख के रेसिस्टेंस को हाई रखते हैं ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो वो ज़्यादा हो। और वो जो हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉय का इसलिए बनाते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो है ये ऑक्सीडेशन नहीं होता है इसका, और जल्दी मेल्ट भी नहीं होता है, इसी वजह से प्योर मेटल का नहीं बनाया जाता है। प्योर मेटल जो है हाई टेम्परेचर पे पिघल जाएगा और जो है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका आंसर है किलोवाट आवर। तो जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापने का जो यूनिट है वो किलोवाट आवर है, यानी कि अगर आप 1000 वाट एक घंटे में खपत करते हैं तो वो एक यूनिट के बराबर होता है जिसका आपको भुगतान करना होता है। जिसके यहाँ इलेक्ट्रिकल मीटर लगे हुए हैं, हर किसी के घर में बिल आते हैं, तो वो जो मेजरमेंट होता है वो किलोवाट आवर में किया जाता है। तो एनर्जी जो है उसका जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो जूल में करते हैं, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, बट वो बहुत ही स्मॉल यूनिट है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमें एक अलग से यूनिट बनाना पड़ा, किलोवाट आवर। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ करेंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आयरन कोर को यानी कि आयरन रॉड को लेके उसमें आप कॉपर वायर का टर्न्स बना दीजिए और उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दीजिए तो वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करेगा। तो मैग्नेट जो है इससे हम लोग बना सकते हैं। तो वही जो सोलेनॉइड होता है यानी कि स्ट्रेंथ, कितना ताकतवर है मैग्नेटिक फील्ड, कितने बड़े से बड़े लोहे को कितने दूर से वो अट्रैक्ट कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो इसमें फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट अपॉन लेंथ होता है। तो म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, यानी कि जो नेचर ऑफ मटेरियल है, जो कोर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स लपेट रहे हैं, मटेरियल का नेचर कैसा है, कितना वो मैग्नेटिक फील्ड झेल सकता है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उतना ही आप इंक्रीज कर पाएंगे। अगर मटेरियल जो है डैमेज हो जाएगा तो वो झेल नहीं पाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो आप उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा पाएंगे। और जितना आप करंट सप्लाई करेंगे उस पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके, और जो है नंबर ऑफ टर्न्स कितना आप कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड होता है। तो जो सोलेनॉइड होता है इन सारे चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है इसे आप घटा बढ़ा सकते हैं, ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगला क्वेश्चन है
अ डिवाइस विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डैश. इसका आंसर है कम्यूटेटर. तो कम्यूटेटर जो है बच्चों वो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में इस्तेमाल होता है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं कि करंट लेते हैं, तो वो जो डीसी सर्किट बना के हमको देगा वो पॉजिटिव देगा. और जो डीसी मोटर में क्या करता है, हम डीसी सप्लाई देते हैं लेकिन अंदर में वो क्या करता है, एसी करंट को बना के रखता है. यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव की ज़रूरत है वो उसको पॉजिटिव बना के रखेगा, जहाँ पे नेगेटिव की ज़रूरत है वो उसको नेगेटिव बना के रखेगा, ताकि जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में मोशन करे. अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बार जो है क्लॉकवाइज घूम जाएगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो मोटर जो है वो रोटेट नहीं हो पाएगा. तो मोटर को रोटेट करने के लिए ये कम्यूटेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनका डायरेक्शन मेंटेन हो सके. अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरिंग द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसका आंसर है माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी. तो जो माइकल फैराडे हैं वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और जो जोसेफ हेनरी हैं ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे. दोनों ने इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया है, इसका खोज किया है कि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेट को बना सकते हैं. जैसा आप सोलेनॉइड का एक एग्जांपल ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दे के हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को देख पाते हैं, और मैग्नेटिज्म से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. जैसा कि आप ट्रांसफार्मर में देखे होंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है, कि जितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पर्टिकुलर टाइम में पास हो रहा है, अगर वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो कोई भी वोल्टेज यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस नहीं होगा. अगर वो चेंज हो रहा है तो इंड्यूस वहां पे होगा. ट्रांसफार्मर हमारे पास एक जीता जाता एग्जाम्पल है. अगला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर डिवाइस विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ए फ्यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज कॉल्ड एज. इसका आंसर है एमसीबी, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. तो फ्यूज जो होता है, पहले के ज़माने में हम लोग फ्यूज इस्तेमाल करते थे, किसी भी सर्किट में फ्यूज को लगा देते थे. तो फ्यूज जो होता है पतला वायर होता है, अगर जो करंट हमें सप्लाई चाहिए होता है जितना करंट का घर में, तो डोमेस्टिक सर्किट के लिए इसका इस्तेमाल होता है. तो जितना करंट का सप्लाई चाहिए होता है उससे अगर करंट कभी कभी एक्सीड कर जाए तो क्या होता है, फ्यूज जल जाता है. फ्यूज जलने की वजह से जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं वो बच जाते हैं. अगर फ्यूज नहीं होता तो जितने भी अप्लायंसेस हैं, फ्रिज हो गया, चाहे मोबाइल चार्जर हो गया, कोई ना कोई जो अप्लायंस है आपका डैमेज हो जाएगा, जिसके वजह से आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा. तो इसी चीज़ से बचने के लिए सर्किट जब हम लोग घरों में बनाते हैं तो बाहर में ही सप्लाई लेते वक्त फ्यूज लगा देते हैं. तो अभी के टाइम में एमसीबी का इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, यानी कि सर्किट को क्लोज कर देता है. जैसे ही करंट पास होगा उसमें रिले लगा होता है जो करंट को सेंस करता है और ये सर्किट को ब्रेक कर देता है. तो एमसीबी इस तरीके से काम करता है. ये आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन. इसका आंसर है ग्रेफाइट. तो जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस करा के, वहाँ पे मॉडरेटर में जो है वो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि जो न्यूक्लियस में रिएक्शन हम लोग कराते हैं, न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है. अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, इसी वजह से वहाँ पे मॉडरेटर इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, ताकि वो ओवर एक्साइट ना हो जाए. जनरली हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, बट हैवी वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है. इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर.
इसका आंसर है वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर यानी कि जो शीशा हम लोग देखते हैं उसमें वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, सेम साइज सेम शेप का बनता है, अपराइट यानी कि सीधा बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करके इमेज जो बनाता है वर्चुअल सेम साइज इरेक्ट अपराइट इमेज को बनाता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। तो अगर आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसमें मिरर जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है इसके नेचर ऑफ इमेज के बारे में दिया हुआ है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं अगर उसका इमेज बनाएंगे तो फोकस पे बनेगा, और अगर उसको और नज़दीक लेके आएंगे यानी कि सेंटर पे लेके आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आएंगे तो वहाँ पे जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनता है और जो है वो उसी पोजीशन पे बनेगा, और अगर सी और एफ के बीच में फोकस के बीच में आप लेके आएंगे तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा। तो इसी तरीके से अगर फोकस पे आप ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट देगा, वही बहुत ही पावरफुल बीम ऑफ लाइट बनता है और इमेज जो है इन्फिनिटी में बनता है। इसी वजह से कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। जो लाइट होता है उसे हम लोग मिरर का इस्तेमाल करके लाइट को फोकस पर रखते हैं ताकि जब लाइट जलेगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी बनेगा और वो पावरफुल बीम ऑफ लाइट देगा। तो इसी का इस्तेमाल हेडलाइट्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज, दिस हैपेंस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन। इसका आंसर है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि जब वाटर पूल को आप देखते हैं तो लाइट क्या होता है कि वाटर पूल के बेस से हमारे आँख तक आती है यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी। तो जो लाइट है जब डेंसर से रेयरर पे निकल के आएगी एयर मीडियम में निकल के आएगा तो जो लाइट है वो नॉर्मल से अवे बेंड होगा जिसके वजह से हमें इमेज जो है वो नज़दीक दिखाई देता है। तो एक्चुअल गहराई कितनी है हम ये पता नहीं कर पाते हैं। तो ये फेनोमेना है नेचर का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें दिखाता है जिसके वजह से इस चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई फॉर अ पर्सन हैविंग नॉर्मल विजन। इसका आंसर है 4 डायोप्टर्स। तो जो पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/f। तो ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है आई का ये एक मैकेनिज्म है जो आई क्या करता है कि डिस्टेंस के हिसाब से फोकस को एडजस्ट करता है जिससे आप किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है तो आप देख पाते हैं। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन के वजह से होता है कि जो आई है वो फोकस को यानी कि लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आई का उसको मेंटेन करता है ताकि आप दूर अगर है तब भी आप देख पाएँ और जो नज़दीक है उससे भी देख पाएँ। तो जो नॉर्मल विजन होता है 25 सेंटीमीटर इससे नज़दीक की चीज़ों को आप नहीं देख पाते हैं। 25 सेंटीमीटर नॉर्मल विजन होता है और एज के साथ ये नॉर्मल विजन बढ़ भी जाता है, बट जो न्यू इन्फेंट होता है बेबीज होते हैं यानी कि 17-18 साल तक 20 साल तक मान लीजिए 25 साल तक जो नॉर्मल विजन है वो जो है 25 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम लोग पावर निकालें तो 25 सेंटीमीटर जो है मीटर में चेंज करेंगे 0.25 मीटर हो जाएगा और 1/f करेंगे तो 1/0.25 मीटर जहां से हमें पावर जो है वो 4 डायोप्टर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई।
इसका आंसर है प्रेस बायोपिया। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब मैंने आपको बताया अभी पीछे क्वेश्चन में कि आई जो है, आंख जो है वो फोकस एडजस्ट करती है लेंस का, ताकि आप नज़दीक दूर ऑब्जेक्ट को देख पाएं। तो ये जब ओल्ड हो जाता है आदमी, बूढ़ा हो जाता है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस कर जाता है, नहीं कर पाता है, जिसके वजह से नज़दीक की चीज़ें भी देखने में उसे बहुत दिक्कत होती है और दूर की चीज़ों को देखने में भी दिक्कत होती है, यानी कि नॉर्मल विजन जो है उसका लॉस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑफ विजन कैन नॉट बी करेक्टेड बाई यूजिंग एनी टाइप ऑफ एक्सपेक्टेकल लेंसेस। इसका आंसर है कैटेरेक्ट, यानी कि मोतियाबिंद, छाली पड़ जाता है आँख के ऊपर, एक परत चढ़ जाती है, क्लाउड फॉर्म हो जाता है, जिसके वजह से हमें देखने में दिक्कत होता है। तो ये किसी भी लेंस यानी कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस के जरिए से आप सही नहीं कर सकते हैं। इसका जो करेक्शन है वो ऑपरेशन के जरिए से होता है, ऑपरेट करके ही ये सही हो सकता है, लेंस के जरिए से ये सही नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ द वाइट लाइट सफर्स मैक्सिमम बेंडिंग व्हेन इट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसका आंसर है वायलेट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करेंगे तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाते हैं विबग्योर। तो वायलेट लाइट जो होता है सबसे ज़्यादा बेंड होता है, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ सबसे कम होता है 400 नैनोमीटर, और रेड लाइट जो है सबसे कम बेंड होता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ इसी का होता है 650 नैनोमीटर। तो ये आप लोग को एकदम याद रखना है विबग्योर के फॉर्म में। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो विबग्योर फॉर्म में चले जाइए, वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होगा, उससे कम जो है इंडिगो, ऐसे करके रेड लाइट जो है सबसे कम बेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन टर्म्स ऑफ। इसका आंसर है डेसिबल। तो कितना लाउड आप बोल रहे हैं, देखिए लाउडनेस और जो इंटेंसिटी होती है साउंड की वो डिपेंड करती है कि कितना तेज आप बोल रहे हैं। ये कैसे मालूम चलेगा, साउंड जो ट्रेवल करता है, साउंड के लिए मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एयर पार्टिकल को जितना तेजी से आप प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, वही कंप्रेशन जो है वो फॉरवर्ड होता रहता है। जो जितना तेज आप बोलेंगे, जितना प्रेशर आप देंगे, उतना प्रेशर उस पर पड़ेगा और उतनी दूर तक वो जाएगा। उसी चीज़ का जो मेजरमेंट है वो हम लोग डेसिबल्स में करते हैं। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके आप नोट्स बना लीजिए या हमारे पीडीएफ को फॉलो कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।